वेलकम इन मैथ यूनिवर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.2 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से क्लास 10th एनसीईआरटी। अ गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन जो है जो सुगर सिरप होता है उसका जो चाशनी होती है वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% उसका सिरप है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। टोटल गुलाब जामुन्स कितने दिए गए हैं? 45। ठीक है, तो मुझे निकालना है कि उसका सिरा कितना होगा। ठीक है, इच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमीस्फेरिकल इंस विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो पहले तो यहाँ पे हमें गुलाब जामुन का फिगर बना लेना होगा कि किस तरह से है। गुलाब जामुन का शेप कुछ ऐसा है, बीच में सिलेंडर है और किनारे पर हेमी स्फेयर की तरह है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है इच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमी स्फेरिकल इंस विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है इसकी लंबाई? 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। यानी कि डायमीटर 2.8 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से 1.4 सेंटीमीटर और ये 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गुलाब जामुन का हमें वॉल्यूम निकालना है पहले, और उसके बाद टोटल गुलाब जामुन कितना है? 45। तो 45 गुलाब जामुन है तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, और टोटल वॉल्यूम का उसमें जो चाशनी है उसका 30% है, यानी कि गुलाब जामुन का वॉल्यूम का 30% उसका चाशनी है। तो मुझे यही निकालना है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ओके, तो पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इस सिलेंडर का हाइट भी चाहिए। ये सिलेंडर का हाइट कितना होगा? यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। इसका हाइट हो जाएगा पूरा कितना है? 5 है। 5 माइनस 1.4 माइनस कर देंगे, इधर भी 1.4 यानी माइनस कर देंगे 2.8, तो आएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये जो हाइट आएगा ये 2.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू हेमीस्फेरिकल इंड है ना, तो पहले तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और प्लस दो हेमीस्फेयर है तो 2 × एक हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर क्यूब, 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कॉमन क्या है यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर कॉमन है, इसमें एच आएगा और इसमें 4/3 आर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, 22/7 × आर कितना है? 1.4 है, इंटू 1.4 आएगा। ठीक है, एच कितना है? ये हाइट 2.2 और 4/3 आर कितना है? 1.4। ओके, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 22/7 इंटू 1.96 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद 2.2 एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 जो है एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 3 एलसीएम ले लिए तो ये हो जाएगा 6.6 और प्लस 5.6 आएगा ये। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे आप, फिर लिखेंगे 22/7 इंटू 1.96 इंटू ऐड कर लेंगे 12.2 और 3, यानी कि यहाँ पर आया मेरा, फिर से एक बार इसे लिख लेते हैं, 22 × 1.96 इंटू 12.2 7 × 3 21, आपको आएगा ये
25.05 सेंटीमीटर क्यूब जब इसे सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आपको इतना आया, ठीक है। तो टोटल कितने गुलाब जामुन है, 45 है। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स इज इक्वल टू 45 इंटू एक का वॉल्यूम इतना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन यहाँ पे निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ओके। तो ये हमारा टोटल 45 गुलाब जामुन का यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। अब जो सिरप है वो इसका 30% है, जो गुलाब जामुन में सिरप है इस वॉल्यूम का 30% है, यही मुझे निकालना था। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो इसका 30% हम निकाल देंगे, इसका 30%, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है। यानी गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%, तो 30 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे इसे, इसका वॉल्यूम कितना है 0.28, ठीक है, और इसका 30%, 30/100, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 338.184, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, जो कि करीब बराबर है, यहाँ पर इसे सिंपली हम लिख देंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आंसर दिया हुआ है मेरा 338। पॉइंट में भी लिखेंगे लेकिन यहाँ पर पूरा अप्रॉक्सीमेटली हमें निकालना था, ठीक है। तो 338 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल जो सिरप होगा, ठीक है, वो 30% होगा, मतलब 45 गुलाब जामुन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया, इसका 30%, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब।